100% श्योर है कि ये इन लोगों के स्टेप बाय स्टेप कि हमने ऐसे करना है, आपको जहां आपको गाइडेंस दी जाएगी आपको ऐसे करना है, इस तरह से आप शायद बच सकते हैं, इस तरह से आप इंडिया में रह सकते हैं, और आपको हम एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा देंगे जो जिस व्यक्ति को ना अपने कमीज के बटन लगाने आते हैं ना अपनी नोजी साफ करनी आती है, उस व्यक्ति को हम एक रोबोट की तरह कहीं भी आपके साथ घुमा सकते हैं, उसको मंथली हम ये 8-10 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति और आज इस तरह घर में बैठा हुआ है और राजा महाराजाओं की तरह वो कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि 100% ये जो इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है उसका ही एक पार्ट है, और अभी घर में आराम कर रहे हैं। इन लोगों को इससे भी ऑब्जेक्शन है कि मोमिन मलिक साहब क्यों आए, वाकई में ग्रज की बात है, और ये सीमा को नहीं है, ये जो सीमा के जो सपोर्टर जो बैक इसकी बैकबोन है वो ग्रज वो दिखा रहे हैं कि नहीं, अभी जब मोमिन साहब ने बोला है कि ये बंद हो जाएगा आपका, आप और वीडियो बना के डालिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कहती है डेफिनेटली इन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हमने जब 1.5 महीने तक एक महिला किसी घर में रहती है और हम लोगों को पता तक नहीं चलता तो वो सोची समझी साजिश होती है। हो सकता है कि अगर ज्यादा पूछताछ की जाए तो वो जो मकान मालिक हैं जहां पे 1.5 महीने इस महिला ने बिताए हैं तो मे भी हो सकता है वो भी कुछ जानकारी दे सकते हैं, उनके आस पड़ोस वाले दे सकते हैं। तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, हर ऐसे जो व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं, हर ऐसा व्यक्ति जो इनसे जुड़े हुए हैं सबसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसको एक बेनिफिट ना मिल जाए सीमा हैदर को कि भाई देखिए मेरे को, मैं इतने दिन यहाँ पे रही, इतने दिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे जो व्यवहार किया, फिर उसके बाद मैं पकड़ी गई, अब इतने दिन इन लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, ये बात आ सकती है। जिस घर में मैं रहती थी उन लोगों ने क्यों नहीं बोला, उन लोगों ने पुलिस वालों को क्यों कॉल नहीं किया कि हमारे यहाँ पे इस तरह से पाकिस्तान से एक महिला आई हुई है, वो किराए पे रखी हुई है और जिसका घर जो लड़का लेके आया है वो दूसरे घर में रहता है, उसके फादर उसके मदर जो है पेरेंट्स दूसरे घर में रहते हैं, इस तरह से बाकी जहां से ये गिरफ्तार हुए हैं वहां पे क्या स्ट्रेटेजी थी इन लोगों की। डेफिनेटली क्योंकि मैं सो कॉल, अब तो हम जगत भ्राता श्री बोलने लग गए हैं, अब तो वो कहीं से वकील नहीं हमें नजर आते हैं, कि कोर्ट में जब कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं उसमें थोड़ा सा देर लगती है, ये तो है नहीं कि घर में है आटा हमने बनाया रोटी बनाई खा ली, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सही बात है। तो बिल्कुल कानून के दायरे में रह के वो काम कर रहे हैं, और इतनी जल्दी रिजल्ट आता तो आज शायद सीमा यहाँ नहीं होती, डिपोर्ट हो चुकी होती, कब की डिपोर्ट हो चुकी होती। और जिस तरह से ये महिला बोल रही, मैं अभी फिर आपको बता रही हूँ श्रीवास्तव जी, आप नीचे बैठे हुए हैं, कि जितना मेरे को पता है कि मुस्लिम में जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे शौहर उसको तलाक नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है, ना वो तलाक ले सकती है जब तक बच्चा 3 महीने का या 40 दिन से 3 महीने का होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी का ना कोई जब मोरल ऊपर जाता है ना उसको डाउन करने की बिल्कुल भी आप कोशिश ना करें, क्योंकि जो लॉ में लिखा रहता है, मैं हमेशा लॉ के अंदर रह के काम करती हूँ। अभी आपको अगर देखना है तो मैंने जो उनके पहले वकील थे परासर सर, उनसे बातचीत की है, और आप वहां पे जाके देखिए काका वीर भाई को, आप देखिए उनके वहां पे मैंने जो बात की है वही बातें सब रखी है, और कानून के दायरे में रह के रखी है, और कानून के दायरे में रह के जो लोग आज मुझे गद्दार बता रहे हैं ना, वो मेरा अभी मेरी तरफ से वो उन लोगों पे केस करने वाले हैं, आप जाके देखिए उन्होंने क्या बोला है। तो प्लीज आप लोग देखिए, सीमा से हमें कोई वो नहीं है, हमें सीमा से कोई ग्रजिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो लीगली आई होती, हैदर भाई को तलाक देके आई होती, बच्चों का किडनैप करके नहीं लाई होती, देखिए बच्चे किडनैप करके लाई है। अगर और हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा भी है, आपको ये भी बता दूं श्रीवास्तव जी, कि जब मदर या फादर बिना बताए बच्चों को किसी दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और काफी टाइम तक या तो मदर को या फादर को पता नहीं चलता है, तो मदर या फादर जिसके पास बच्चे हैं वो अपने पार्टनर पे केस कर सकते हैं। तो वही काम जो है वो हैदर भाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्लोज जाके कोई नहीं बता सकता आपको, एक लॉयर भी नहीं बताएगा जितना क्लोज जाके मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और पिछले 8-9 महीनों से मैं यही चीजें आपको बता रही हूँ। हमारे एक सुधीर भाई जी हैं, तो मैं सुधीर भाई जी आपको बता दूं, लॉ कहता है कि अगर इसने शादी की है तो इसको शादी के सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में
अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर शादी की जाती है, और अगर ये लोग मंदिर में, किसी मंदिर में शादी करते हैं, वो सनातन धर्म मंदिर होता है जहां से इनको पंडित का लिखा हुआ एक कागज मिलता है, उस कागज को भी लेके इनको कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट से भी इनको एक एफिडेविट बनता है जहां पे चार गवाह होते हैं। चार गवाहों की, दो लड़की की तरफ से होते हैं, दो लड़के की तरफ से होते हैं। वहां जब गवाही होती है वहां जयमाला भी होती है। मैं आपको ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि मे बी आप उसके सपोर्टर होंगे, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, वो आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन कानून की बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जब आप बोल रहे हैं कि बच्चे, तो हमारे कानून में लिखा हुआ है कि मदर और फादर में से, दोनों में से एक अगर कैरेक्टर लेस हो गया तो बच्चे दूसरे को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी कैरेक्टर लेस सिर्फ सीमा हैदर भाई नहीं। अगर 4 साल पहले हैदर भाई अगर उसको तलाक देके चले गए होते तो अभी वो अपने बच्चों के लिए इतना नहीं रोते। वो ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है कि वो एक जेंट्स हैं और वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते थे, अब तक वो शादी कर चुके होते थे। और जो कि आपको, लोगों को पता है कि रोशन अजीम साहब जी ने जो सर्टिफिकेट निकाले हैं, अभी वो उनकी ब्याहता है, अभी कोई तलाक नहीं हुआ है, और इस उसमें भी बच्चे जो हैं वो डिपोर्ट होंगे। इसका जो है, आपको पता है, कानूनन जो इनलीगल आते हैं, बच्चे नाबालिग हैं, उनको नहीं रख सकते हैं। उनको जब तक उनके फादर यहाँ आते हैं तब तक हम चाइल्ड केयर सेंटर में रख सकते हैं, तब तक उनकी देखभाल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की है, उनकी देख रेख, सुरक्षा, सब कुछ। तब जब वो चाइल्ड केयर सेंटर में जाते हैं, अभी वो मदर के साथ में है, कल को अगर इनकी बेल कैंसल हो जाती है और इनको इमीडिएट जेल जाना पड़ सकता है, तो उन बच्चों की सुरक्षा भारत सरकार की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही ये बात। हुआ कानून के कानून पे। दूसरी बात हुई, जब आपने ग्रज की बात बोली है, तो यहाँ पे ग्रज, क्योंकि अभी मोमिन बिल्कुल मलिक साहब आए हैं, तो सबके, मतलब आप ये लगा लीजिए कि कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया है सही जिस बात है। तरह से। क्योंकि मैंने अभी पराशर सर को सुना है, तो उन्होंने इतना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना ग्लैड है कि मोमिन मलिक सर को ये मिला केस। अंसार बिल्कुल वर्णी जी की तरफ से जो ये अपॉइंट हुए हैं, आउटस्टैंडिंग जो काम कर रहे हैं, और एक पिता से 4 बच्चों को मिलाने के लिए, क्योंकि जब 4 बच्चों को लेके अगर आप पहले नहीं आ रही थी और आपको फिर एक आदेश दिया गया कि या आप यहाँ से वापस जाइए, पहले आप बच्चों को भी लेके आइए, उन बच्चों के बिहाफ पे आपको बेल मिल जाएगी, तो आप क्या, हमें क्या, सबको ये लगता है कि ये सोची समझी साजिश है, और ये इस तरह से सचिन नहीं कर सकता है। सचिन सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, प्यादा है। ये मोहरा भी क्या है, ये प्यादा है, इसको जिधर मर्जी चला लो वो उधर ही चला जाएगा। इसका सही या बात तो सीधा चलाओ तो ये सीधा चल रहा है, ये बिल्कुल घोड़े की तरह अपने बिल्कुल पट्टे बांधे हुए हैं। जब इसको बोला जाता तेरे को लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है तो राइट जाना है, तो इस तरह से दोनों का ही उपयोग हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही सीमा के बच्चों का भी उपयोग हो रहा है और उस परिवार का, मीना परिवार का भी उपयोग हो रहा है। कि अगर इससे पहले अगर एपी सिंह जी मुझसे रास्ता कर लेते तो शायद इतना बड़ा, हम लोगों का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, और उनसे हमारी बात करके शॉर्ट आउट हो सकता था, कुछ बातें हो सक, क्योंकि कभी बार ये होता है कि बड़ा है बड़ा है, और ये इन्होंने कानून पढ़ाया है वो नहीं होता है, क्योंकि कानून के दायरे में रह के हम भी काम करते हैं, हमें भी पता है कानून क्या है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था उनसे कि सर, मैंने कहा आपने केस, आपने जब 24 घंटे में इनकी बेल करवाई, फिर उसके बाद आप गायब क्यों हो गए, क्या इसके पीछे कोई रीजन था? तो उनका सबसे पहले ये था, वो समझ गए थे कि ना तो मुझे किसी ने भड़काया, ना मेरे पे कोई दबाव था, ना मैं किसी के भड़कावे में आता हूं और ना मैं किसी के दबाव में आता हूं। ये बेल हो गई, उसके बाद इनका फर्ज बनता है कि ये कौन से वकील अपॉइंट करती है, कि भाई जो आगे जाके जो हमारा, हमारी जो दलील पेश करेंगे वो करेंगे। वहां तक तो केस पहुंचा ही नहीं, बस इनको बेल हुई, उसके बाद कूद जाते हैं एपी सिंह जी। एपी सिंह जी के आने के बाद इनको भी लगा कि जो क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए था, और अफकोर्स आज उन्होंने खुलेआम बोला कि जो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था वो क्रेडिट मुझे मिला नहीं। मैंने कहा हम थे, आप आते, हम तो अभी भी आपको वही क्रेडिट क्रेडिट देते हैं, और मैं पहले दिन से ही मैंने कहा आपको क्रेडिट दे रही थी, क्योंकि जब इन्होंने आके बोला कि मैंने बेल करवाई, मैंने बेल करवाई, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, कोई बिष्ट जी थे हमारे उत्तराखंड से, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था तो प्रासर सरकार, तो वहां पे इन्होंने बोला कि बेल मैंने करवाई है, और ये आके यहाँ पे तुम एक वीडियो डाल देते हो और तुम बोलते हो कि मैं
उसका केस फ्री में लड़ता हूँ, जबकि आप किसी कागज में किसी उसमें कहीं वकील नहीं होते हो, उसके बाद आप ये दावा करते हो कि मैं वकील हूँ। आप बहुत सारे लोगों को झिंझोड़ के झल्ला के और उन लोगों को माइक छीन छीन के बोलते हो कि इसको सचिन सीमा मीना बोलो, ये शादी हो गई है इनकी। पहले तो वहां से गोलियां आती थी सरहद पार से, अब डोलियां आई हैं। हमने तो आज तक वो डोली नहीं देखी कि वो डोली कैसे आई। 1.5 महीने बाद तो हमें पता चला कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, यहाँ 4 बच्चों को लेके। तो उनका बोलने का था जो मतलब था कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। मेरे से बात करना करते हुए उनको बहुत अच्छा लग भी रहा था, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रही थी उनके फेवर में थे, मैंने कहा तब भी आपको क्रेडिट जा रहा था और अब भी आपको क्रेडिट जा रहा है, क्योंकि वो वकील तो है ही नहीं। सही सेकेंडली मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह देखते हैं सीमा का केस। जैसे आपने, मैंने कहा आपने भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि इन्होंने 14 जनवरी को यहाँ पे झंडा फहराया, उसके बाद हिंदुस्तान मुर्दा पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगाए, तो उसको किस तरह से देखते हैं। तो बोला वो वकील है, जो वकील अपने क्लाइंट के घर में जाके इस तरह के जो हरकतें कर रहा है उसको तो मैं वकील ही नहीं मानता हूँ। तो वहां पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि नथिंग, मतलब उन्होंने नथिंग बोल दिया, उनको कुछ है ही नहीं। फिर सही उन्होंने बात। बोला कि जब ये आए तो इन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी बातें रखी, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पे करके जाते थे। क्वेश्चन भी मेरा होगा और सवाल भी मेरा होगा। अगर बच्चों के पक्ष में अगर पाकिस्तान से कोई आता है, जैसे ही वो क्वेश्चन पुट ऑन करता है, तो वहां पे आपको काट देना है, वहां पे आपको हमें लेना है, वहां पे उनका क्वेश्चन ना लेते हुए आपको हमारी तरफ आ जाना है। और हर जो वो होता था, क्वेश्चन होता था, वो उनका खुद का लिखा हुआ क्वेश्चन होता था। वो मीडिया वालों को एक वो दे देते थे, वही वो सीमा को लिख के दे देते थे कि आपने इसका जवाब ये देना है। देखो, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद आपने ये जवाब देना है। और कभी आप पीछे की आप उठा के देख लीजिएगा कि सीमा कभी भी सामने देख के नहीं बोलती थी। अब तो वो इतनी एक्सपीरियंस हो गई है कि सही हमारा बात है। 16 साल का कैरियर तो पागल ही है, हम तो पागल हो गए। मतलब हमारा कैरियर तो कुछ नहीं है, जो 16 साल हमने इतनी मेहनत की, उसने एक साल में इतना कुछ अचीव कर लिया कि वो बिल्कुल सही बात। बेफिक्र होके बेखौफ होके कैमरा फेस कर सकती है।